हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों ने याद भी की होगी, रट के रखा होगा, भाई जीरो फैक्टोरियल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो वहाँ पर n इक्वल टू जीरो या n इक्वल टू वन पे जो वैल्यू होती है उसको बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, बस हर चीज़ का प्रूफ होता है मैथमेटिक्स में। ऐसा नहीं खुद से एज्यूम कर लिया बस चल रहा है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमने वन एज्यूम कर ली तो चल रहा है, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल के बाद कहाँ जाएंगे, निगेटिव में तो नंबर्स चले नहीं जाएंगे, क्योंकि n फैक्टोरियल में जब हम एंड टर्म पे पहुंचते हैं यानी कि लास्ट वाली टर्म, वो तो वन तक ही जाती है, तो फिर जीरो फैक्टोरियल में तो पॉसिबल ही नहीं है, जीरो के बाहर कैसे चले जाएंगे। तो ऐसा है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन है, ऐसा नहीं है, इसके प्रूफ हैं बाकायदा। आज हम उन्हीं प्रूफ्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पर हमारे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो क्लास 11 12th में आप लोगों ने मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रखा। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पहले एक टर्म आता है फैक्टोरियल नोटेशन, एक्चुअल में वो फैक्टोरियल फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो दिखता है आपको, ये एक्चुअल में क्या होता है मैथमेटिक्स में, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ये फैक्टोरियल नोटेशन होता है और यहाँ पर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री डॉट 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 वन। ठीक है, वन तक यहाँ पर ये एंड होता जा करके, इस तरीके से n फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पढ़ाई गई। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशंस पढ़ाए गए, क्योंकि फैक्टोरियल का ही यहाँ पर एप्लीकेशन है, यानी कि फैक्टोरियल का ही यूज होने वाला है कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट जो रिजल्ट हमारा है जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, तो ध्यान से देखिएगा, इसके दो प्रूफ हैं। सबसे पहला प्रूफ हम देंगे जो जनरल रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, एन फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। क्लास 11 12 में आप जब लोग पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल ऐसे ही डिनोट, वहाँ पे बुक्स में भी ऐसे ही लिखा होता है। जब आप हायर मैथमेटिक्स हायर क्लासेस में बीएससी वगैरह करने जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वहाँ पर बुक्स में आपको स्टैंडर्ड बुक्स में एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, ये एन फैक्टोरियल ही है, तो ये एन फैक्टोरियल या फिर ये एन फैक्टोरियल दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, कन्फ्यूजन जिसमें ना हो तो आप वो वाला नोटेशन यूज कर सकते हैं। आपको ये अच्छा लगता है तो ये अच्छा लगता है तो ये वाला। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ठीक है, इंटू डॉट 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 हो जाएगा 3 इंटू टू इंटू वन, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज डेट हम केवल ये तीन टर्म्स लें तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इन तीनों टर्म को कंबाइन करके 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसके आगे 4 होगा तो अगर 4 टर्म्स ले लें तो हाईएस्ट वाला नंबर क्या है, 4, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर n माइनस 3 तक के टर्म ले, बाकी ये छोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट टर्म तो यही होगी, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। सोचो इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर और आगे बढ़ें तो इसको n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 से लेकर के जितने भी आगे के टर्म हैं उनको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, n फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए इसकी, तो यहाँ पर लिख लीजिए n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, और ये n प्रोडक्ट में इसके साथ है तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, तो ये अपॉन n हो जाएगा। इतना आंसर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू, n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, देन वी गेट तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। अब 1 फैक्टोरियल आपको पता ही है, वी नो दैट
वन फैक्टोरियल वन ही होता है, ठीक है। तो वन फैक्टोरियल वन हो गया, ये वन अपॉन वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जीरो फैक्टोरियल इजिकल टू वन, एक तो ये प्रूफ हो गया बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक। एक और दूसरा प्रूफ है, इस दूसरे प्रूफ को भी देखेंगे हम। दूसरे प्रूफ में क्या है, परम्यूटेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है। वी नो दैट NPR, यहाँ पे NPR लिखेंगे, NPR इज इक्वल टू, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू होती है परम्यूटेशन की, ठीक है। तो परम्यूटेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो परम्यूटेशन का फार्मूला ये होता है। अगर वहीं पे बात की जाए कॉम्बिनेशन की, NCR, तो NCR भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ये हो जाता है r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे, इस परम्यूटेशन वाले फार्मूले में पुट r की वैल्यू हम n के बराबर पुट कर देंगे, पुट r इज इक्वल टू n, ठीक है, पुट r इज इक्वल टू n, देन वी गेट तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा n पी एन हो जाएगा, एन पी एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, आर की जगह एन हो जाएगा, तो ये एन माइनस एन फैक्टोरियल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज एन पी एन की वैल्यू आपको पता है, एन पी एन की वैल्यू क्या होगी, देखिए एन पी एन की वैल्यू यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एन पी एन, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है एन माइनस आर, तो ये एन माइनस एन फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और एन माइनस एन जीरो होता है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो वन होती है, तो यहाँ पर एन पी एन की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, एन पी एन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एन फैक्टोरियल होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, या फिर एक ही सिंबल लेके चलो, कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, जीरो फैक्टोरियल, ठीक। एन पी एन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एन फैक्टोरियल होती है, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो फैक्टोरियल को इधर भेज दीजिए और एन फैक्टोरियल को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा वन। तो यहाँ पर भी फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। तो अब से आपको ऐसा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रिटर्न आना पड़े कुछ। अब आप चाहे ये वाला प्रूफ, जैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला प्रूफ है, ठीक है, ये वाला प्रूफ दे दीजिए, अदरवाइज आप लोग ये वाला प्रूफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम है, बस अलग अलग तरीका, इसमें परम्यूटेशन का यूज हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला एन फैक्टोरियल का यूज हुआ, यहाँ पे हमने जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन प्रूफ किया, यहाँ पर भी जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन प्रूफ किया, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है, यानी कि छोटा सा टॉपिक था कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन ऐसा क्यों होता है, तो विद प्रूफ मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑलरेडी चल रही थी, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस भी कर लिए थे, जिसमें अभी एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़े या नहीं पढ़े, बट इस बार हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। लॉजिक सर्किट्स वहाँ पर बनाएंगे, उनका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।